हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हमें पार्ट लेके आया हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, उसमें हमने लगभग हेलोजिनेशन और हाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ लिया था, मार्कोनी कॉफ रूल पढ़ लिया था हमने, है ना। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन और मार्कोनी कॉफ जो रूल था वो कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। दो तीन प्रकार की रिएक्शन है उनकी बात करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करने वाला हूं मैं पहले एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड हो सकता है, हाइपोहेलस एसिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हाइपो हेलोजन में कोई भी हो सकता है ना। तो हम क्लोरस की बात कर रहे हैं जैसे, तो ये HOX हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, HOCl है ना, हाइपोक्लोरस एसिड ये होता है। ये कैसे बनता है, H2O प्लस Cl2 से मिलकर बनता है। अब इसकी रिएक्शन अलग तरह से होती है, इसकी रिएक्शन, वो रिएक्शन किस तरह से ये एल्कीन में रिएक्शन करता है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो होता क्या है, जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो एल्कीन मेरे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, रिएक्शन कराऊंगा मैं इसकी HOCl। तो मेरे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बनाएगा माइनस वाला पार्ट और ये बनाएगा प्लस वाला पार्ट। तो अटैक कौन करेगा, क्लोरीन अटैक करेगा। तो क्या होगा मेरे पास में, जैसे मैं ये नहीं ले रहा, प्रोपीन ले रहा हूं, तो कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ। सबसे पहले यहाँ कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन पे यानी पॉजिटिव वाला एंड बीच वाले पार्ट पे जुड़ेगा मेरा माइनस वाला पार्ट और साइड वाले पार्ट पे जुड़ेगा मेरा Cl वाला पार्ट, है ना, CH2Cl। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये जुड़ेगा मेरे पास में यहाँ पे और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन बनता है OH। देखो रिएक्शन इस तरह से होती है, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर हम इसको देखें तो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है, किस तरह से एक्चुअल में रिएक्शन होती है, वो हम मैकेनिज्म समझ में आएगा, है ना। मैकेनिज्म करेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर होने वाला है। साथ रहना, साथ बने रहना, साथ निभाना साथिया, है ना, बने रहना, साथ में आ जाएगा मैकेनिज्म। देखते हैं मैकेनिज्म थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म वाला पार्ट। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे मेरे पास में ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा मेरे पास में, सबसे पहले आता है Cl2। देखो Cl2 कैसे बनता है, ये H2O प्लस Cl2, तो मेरे पास Cl2 आ रहा है। अब Cl2 कैसे बना हुआ है, इस तरह से, तो वही एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, स्पेशल कंडीशन है ना। तो ये क्या होगा, एक पे पॉजिटिव आएगा, अटैक कौन करेगा अभी मेरे पास, Cl प्लस पहले अटैक करता है। हम जानते हैं एल्कीन, जिसने लास्ट वीडियो देखा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो Cl प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये अटैक करेगा। तो देखो कैसे अटैक करेगा, CH3CH यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl और ये बना देगा कार्बोकैटायन, बन गया कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास में, Cl माइनस बचा हुआ है। तो देखो Cl माइनस यहाँ पे पहले अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह की और ये बनेगा, इस पर आ जाएगा प्लस, पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार से साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन है, माफ कीजिएगा, क्लोरोनियमाइन है ना, ब्रोमीन नहीं है, क्लोरोइन। तो साइक्लिक क्लोरोनियमाइन हो जाएगा, ये बनेगा। उसके बाद क्या होगा, अब देखो Cl और H2O मेरे पास दोनों बैठे हैं, देखो Cl भी है यहाँ पे माइनस बना के बैठा है और H2O भी बैठा है। तो बताओ पहले अटैक कौन करेगा, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और इसके छोटा परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले Cl से पहले H2O जाके दवा बोल देता है इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे Cl माइनस अटैक नहीं कर पाता, उससे पहले H2O दवा बोल देता है। तो देखो होता क्या है, जैसे मेरे पास में ये मेरे पास में कार्बोकैटायन बन रहा था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस इधर शिफ्ट हो जाएगा और कैसे अटैक करेगा, देखो CH3 CH CH2, ये Cl आ जाएगा और यहाँ पे आएगा मेरा H2O, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा H2O, इसके पास आके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वापस ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव वाले पार्ट पे ये अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, क्या आ गया, प्लस आ गया। अब बताओ क्या ऑक्सीजन पे प्लस पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है क्या, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है क्या, नहीं स्टेबल है। तो क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन क्या करती है, यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगी अपने पास में, कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव आना बहुत गलत बात है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है ये। तो क्या करेगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H को बोलेगी रवाना हो, तो यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन लेके ये छीन लेगा इसके इलेक्ट्रॉन और क्या बनेगा लास्ट में मेरा वापस CH3 CH, और देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये OH बच गया, ये
OH बच गया, तो मैं इधर लिख रहा हूँ OH नीचे और CH2Cl। देखो यही प्रोडक्ट बन गया हमारा, ये प्रोडक्ट। इस तरह से एडिशन होता है हाइपोक्लोरस अम्ल का, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इजीली आप कर सकते हो इसमें। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा लिखा जाता है हमारे पास, जैसे एक इक्वेशन दे देगा, ऐसे लिखा नहीं आएगा। कैसे लिखा आएगा, इसको हटा देगा और यहाँ लिखा आएगा H2O और Cl2। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं H2O Cl2 क्या होता है, इसकी रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे हमें हाइपोक्लोरस अम्ल बनाना है। अच्छा, हाइप Br2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो HOBr आ जाएगा, है ना, HOCl HOBr। इस तरह से रिएक्शन आती है हाइपोक्लोरस अम्ल का। जो प्रोडक्ट होता है उसका नेचर कैसा होता है, मार्कोनिकॉफ का जैसा नेचर होता है ना। मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, बीच में कार्बोकेटाइन बना करता था, है ना। अब यहाँ पे हालांकि एच वगैरह नहीं है तो हम इसको मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास मैकेनिज्म कुछ इसी तरह का होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन करेंगे इसका, हाइड्रेशन वाली रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं थोड़ा, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2O, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2O। कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, देखो एडिशन ऑफ H2O मतलब मेरे पास में जैसे ये एल्कीन आ गए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, वही मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा, बनाएगा H प्लस माइनस। तो बताओ सबसे पहले H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे H ज़्यादा है, मार्कोनिकॉफ यही कहता था। तो ये हो गया हमारे पास में CH3CH, ये बन गया मेरा OH और ये हो गया मेरे पास में CH3, यानी यहाँ पे जुड़ जाएगा H, ये हो जाएगा हाइड्रेशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रेशन नहीं करेंगे इसको, एडिशन ऑफ वाटर, है ना, या डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको हाइड्रेशन, है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इस तरह से हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होगा, एल्कीन ले लिया, उसका हाइड्रेशन करेंगे, जल से रिएक्शन कराएंगे, तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, रिएक्शन एज इट इज होगी, कैसे होगी रिएक्शन, एज इट इज रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म वही है, मैकेनिज्म एज इट इज चलेगा। अच्छा, कई बार मैकेनिज्म कन्फ्यूज रहता है, देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, वही कंडीशन, इधर शिफ्ट होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा, कौन आएगा, कौन अटैक करेगा, पहले अटैक करेगा मेरा H प्लस। तो देखो H प्लस अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, CH3C, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और ये मेरे पास में आ जाएगा CH2 और यहाँ पे H अटैक कर देगा। सबसे पहले अटैकिंग स्पीशीज कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पे H प्लस जुड़ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस वही HOH, है ना, H2O आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिंक होगा। देखो कैसे होता है देखते जाओ, यहाँ से मैं रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ वापस, CH3CH CH3 कर देते हैं इसको, है ना, 3 कर देंगे और यहाँ पे बन जाएगा मेरा HOH और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना, दो बॉन्ड ही बनाता है, एक बॉन्ड और बना देगा तो इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज आना सही बात नहीं है, वापस वही कंडीशन, इधर से बॉन्ड शिफ्ट होगा और बनाएगा CH3CH CH3 और ये बन जाएगा मेरा OH, बन गया ये प्रोडक्ट। इस तरह से क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल है मैकेनिज्म, देखते जाओ, इनसे बातें करो। देखो ये H प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, H प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो अटैक करेगी, बन गया कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनने के बाद फिर वापस HOH है हमारे पास में, HOH क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, छोटा परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है, तो आसानी से ये क्या करता है, पॉजिटिव वाले पार्ट पर अट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि चूंकि ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इसके
और H को रवाना कर देगा वापस। H प्लस जैसा आया था वैसा वैसा वापस निकल जाएगा और पहले से जो OH बैठा था उसके साथ में H जाके H2O बना लेगा वापस। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखो दो रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि अटैकिंग स्पीसीज कौन सी है और बनने वाला क्या है इसमें, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो दो रिएक्शन लेने वाला हूं, दो तीन रिएक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से और मैं मतलब क्वेश्चन आता ही आता है उसमें से, तो थोड़ा ध्यान रखना उसमें से, उसको ध्यान से देखना है। ओके स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना। चार रिएक्शन हो गई, मैं भूल गया, मैं फोर नंबर नहीं लगाया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना आपने। फोर नंबर हो गया, पहला हुआ था हाइपोक्लोरस एसिड जो था उसका एडिशन हो गया और हाइड्रेशन हो गया, चार रिएक्शन हो गई। अब पांचवी रिएक्शन आ रही है, देखो रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ टिल्डेन रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिल्डेन रिएजेंट क्या होता है भाई, टिल्डेन रिएजेंट NaCl है ना, नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl, ये होता है टिल्डेन रिएजेंट। एल्किन के साथ टिल्डेन रिएजेंट कराते हैं तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, रिएक्शन कराएं इसकी प्लस NO और Cl। देखो यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl छीन के ले जाएगा, जैसे वहां पे क्या था, जैसे अगर डायरेक्ट रिएक्शन करनी होती प्रोडक्ट, अगर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है तो आप डायरेक्ट रिएक्शन कराओ, कोई जरूरत ही नहीं। जैसे अपने पास था वो हाइपोक्लोरस में क्या था, OH और Cl था, तो यहाँ पे OH क्या करता था, इलेक्ट्रॉन छीन लेता था और इस बेचारे को Cl प्लस के रूप में बना लेता था, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के हिसाब से अगर हम देखें तो इस तरह से रिएक्शन करेंगे। बाकी मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैकेनिज्म आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे माइनस बनाएगा ये, तो ये कार्बोकैटायन वाले पार्ट पे जाके जुड़ेगा, जबकि देखो यहाँ पे Cl पहले प्लस बना रहा था, अब यहाँ माइनस बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोसिल जो है NO, नाइट्रोसोनियम बनाता है ये, NO प्लस बनाता है, अटैकिंग स्पीसीज तो NO प्लस ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कौन सी बढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अटैक कौन करेगा, ये बनाएगा NO प्लस, ये बनाएगा Cl माइनस, तो अटैक कौन करेगा, नाइट्रोसोनियम अटैक करेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे CH2 ये बन गया मेरे पास में NO, जुड़ गया यहाँ पे, और यहाँ बन गया कार्बोकैटायन, तो यहाँ आके कौन जुड़ जाएगा, Cl आके जुड़ जाएगा, कौन आके जुड़ जाएगा, Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अटैकिंग स्पीसीज हमारे पास में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बनी रहेगी इन द केस ऑफ एल्कीन। ओके एल्कीन के केस में ध्यान रखना है, हमेशा अटैकिंग स्पीसीज हमारी इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा पहले, और पहले अटैक जो करता है वही उसका रिएक्शन का नाम हुआ करता है। ओके चलिए एक बात ये हो गई, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है उनको पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी रिएक्शन है और उसमें से क्वेश्चन आ जाया करते हैं। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सिक्स रिएक्शन की बात करता हूं, ये मेरे पास में आती है हाइड्रोबोरेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके लिए हम रिएजेंट जो यूज करेंगे, जैसे हमारे पास जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो होगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यूज करेंगे इसके लिए। रिएजेंट क्यों यूज करते हैं इसका भी एक रीजन है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं सीधी रिएक्शन लिखता हूँ फिर प्रोडक्ट बताऊंगा आपको कैसे बनता है क्या बनता है ना, वो थोड़ा देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखो स्टार्ट करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन होगी भाई BH3 से, किससे रिएक्शन होगी, BH3 से। BH3 क्या होता है, ये होता है B2H6, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डाइबोरेन है ना, केला बंद बनता है ना, बनाना बॉन्ड बनता है ना, 2H3C वाला जो बॉन्ड बनता है वो इसमें बनता है B2H6 में। तो ये क्या होता है, ये 2BH3 तो होता है, 2BH3 क्या होता है, ये 2BH3 तो होता है, देखो B2H6, अगर BH3 के दो मोल ले लेता हूं मैं, BH3 BH3, तो दोनों को ऐड कर दूं तो यही बनेगा डाइबोरेन, तो बनेगा, तो इसकी एक मोनोमर यूनिट है किसकी, B2H6 की। तो ये B2H6 जो होता है BH3 की फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल किस फॉर्म में होता है,
B2S6 की फॉर्म में स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये मोनोमर यूनिट स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए हम जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी देता है। तो इसीलिए यहां पे सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यूज करेंगे BS3 के केस में। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बनने वाला है हमारे पास में, इससे प्रोडक्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट की जो नेचर होगी ना वो ऐसा लगेगा कि जैसे एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए। क्या बनेगा, CH3CH2 और CH2OH, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है, इस तरह का प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है। अब ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म सीखते हैं इसका। बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, अच्छा वाला मैकेनिज्म है। चलो साहब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसका मैकेनिज्म सीखते हैं हाइड्रोबोरेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाना, मजा आने वाला है इसके मैकेनिज्म में। कैसे मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, वो देखने वाले हैं। देखो यहां पे सिर्फ मैकेनिज्म की अगर मैं बात कर रहा हूं, वैसे ही रिएक्शन जो थी इसमें दो चीजों का एडिशन था। जैसे आप इस रिएक्शन को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे वो रिएजेंट जो था ना, जैसे मेरे पास में रिएक्शन लिख दूं, मेन रिएक्शन मेरे पास क्या थी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह की रिएक्शन थी, और THF ले रहे थे, है ना, और BH3 के साथ में क्या आ रहा था, BH3 के साथ में आ रहा था H2O2, हाइड्रोजन परोक्साइड यहां पे यूज होगा, है ना, हाइड्रोजन परोक्साइड यूज होगा। और प्रोडक्ट कैसा होगा मेरा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा, एंटी मार्कोनिकोफ। ओके, तो ये बनने वाला है प्रोडक्ट। अब ये कैसे बनता है, देखो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है मेरे पास में, ये BH3 स्टेबल करेगा, THF स्टेबल करेगा इसको। तो जैसे मैंने यहां पे ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 रिएक्शन करेंगे। तो देखो यहां पे क्या होगा, सारे हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड की फॉर्म में निकलेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो हाइड्रोजन है इनकी, ये जो हाइड्रोजन है स्पेशली पॉइंट यहां पे होगा, सब के सब हाइड्राइड की फॉर्म में निकलेंगे। बताओ कितने हाइड्राइड निकल गए, 3 हाइड्राइड निकले। अब बताओ यहां पे बनेगा कार्बोकैटायन, भाई एल्किन में तो कार्बोकैटायन बनने वाला है, और अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, तो मेरे पास पहले अटैक करके कौन जाएगा, बी जाएगा, क्योंकि देखो ये तो हाइड्राइड बनता है, माइनस साइन बना दिया इसने, तो पहले अटैक कौन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और हाइड्राइड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, तो पहले अटैक करेगा बी, बोरोन अटैक करेगा, क्योंकि बोरोन क्या, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन इन्होंने छीन लिए। तो देखो यहां पे क्या होगा, BH3। अब बोरोन की वैलेंसी कितनी होती, 3, तो इस एक से थोड़ी जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा, तो यहां पे यूनिट कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, 3 यूनिट लेनी पड़ेगी इसकी, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे मुझे प्रोपीन के। तो देखो कैसे बनता है, CH3 CH CH2, फिर वापस आएगा मेरे पास CH3 CH, फिर CH2, फिर देखो CH3 CH, फिर CH2, यहां से मस्त बन गया, है ना, ये पॉजिटिव। आपके कौन जुड़ गया, बोरोन आके इससे जुड़ गया। देखो 3 यूनिट क्यों ली, समझ में आई कुछ बात, बोरोन की वैलेंसी कितनी होती, 3 होती, जहां पहले क्या जुड़ता था, हाइड्रोजन जुड़ता था, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ता था, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती थी, 1, तो एक कार्बन के पास एक ही वैलेंसी फ्री थी यहां पे, क्यों, माइनस आने के बाद यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो एक ही वैलेंसी रहेगी फ्री, तो एक एच जुड़ जाता था, लेकिन बोरोन के पास तो 3 वैलेंसी है, 3 संयुक्त है, तो क्या करेगा, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, और 3 मोल हमें इसके लेने पड़ेंगे। चलिए साहब एक बात तो यहां पे समझ में आ गई, अब ये प्लस बन गए, जहां जहां प्लस बने हैं यहां पे किसका एडिशन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास एडिशन हो जाएगा, यहां पे ले रहा हूं 3 हाइड्राइड बन गए मेरे पास में। तो देखो क्या बनेगा मेरे पास में, यहां पे बनने वाला है मेरे पास में देखो CH3, अब जितने भी CH है सब CH2 बना देंगे, और CH2, और यहां पे बन जाएंगे मेरे पास में, इनसे जुड़े होंगे कितने, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और ये मेरे पास में बोरोन आ गया। देखो ये प्रोडक्ट बना ये प्रोडक्ट। अब देखो ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इससे 3 प्रकार की रिएक्शन बन जाती है। वैसे हम पहले बात करते हैं इसकी, और बाकी रिएक्शन की और बात करूंगा मैं। देखो अब इसके पे मैं रिएक्शन ऐसे ऐसे चलती नहीं उल्टी, पर जगह शॉर्टेज के कारण मुझे ऐसा लेना पड़ रहा है, वैसे ऐसे लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे लेना पड़ रहा है तो मैं इधर चला रहा हूं, है ना, देखना इसको, देखते रहना ना। अब मैं ले रहा हूं यहां पे 3HOH, ये क्या है, हाइड्रोजन परोक्साइड के मैंने 3 मोल लिए। परोक्साइड किसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आपस में
सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हो तो उसे कहते हैं परोक्साइड। तो हाइड्रोजन के परोक्साइड है तो इसे कहेंगे हाइड्रोजन परोक्साइड। देखो होता क्या है, मेरे पास में यहाँ पे तीन बन गए। अब मुझे जैसे ही यहाँ से बी अलग होगा तो बी के साथ में देखो यहाँ पे क्या होगा, एक ये बनाएगा तो एक OH, लेकिन OH OH वाला पार्ट, दोनों OH OH पार्ट अलग हो जाएंगे। कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है ना, ये इधर अलग होता है इधर अलग होता है, तो एक OH फ्री हो जाएगा इधर से, तो OH OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH2 के पास आगे कौन जुड़ेगा मेरे पास में, देखो क्या बनने वाला है, CH3 CH2 और CH2 OH। कितनी यूनिट बन गई इसकी, तीन यूनिट बन गई इसकी, कितनी बनी, तीन यूनिट। और प्लस साथ में क्या बन रहा है मेरे पास में, साथ में बन रहा है मेरा बी ओ एच का होल थ्राइस। देखो तीन ओ एच इसके भी थे जो इसके साथ जुड़ गए, बी के साथ में तीन ओ एच जुड़ गए और तीन ओ एच जो थे वो इसके साथ चले गए, बचा क्या मेरे पास बी ओ एच थ्री, इसको अपन लिखते हैं एस थ्री बी ओ थ्री। हाइड्रोबोरिक एसिड के रूप में भी लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हाइड्रोबोरिक एसिड इन द केस ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड। तो देखो नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा लगा आपने को, ऐसा लग रहा है जैसे एंटी मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई हुआ हो इसके ऊपर, लेकिन हुआ रिएक्शन कैसे हुई हमारी, एज इट इज वैसे ही रिएक्शन हुई जैसे होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद, क्योंकि देखो एंटी मार्कोनिकोफ जब रूल होता है ना तो उसके अंदर फ्री रेडिकल बनता है, जबकि यहाँ कहीं भी फ्री रेडिकल नहीं बनाया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन के बाद में हाइड्राइड आया, हाइड्राइड आके जुड़ेंगे, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन परोक्साइड आएगा जो क्या करेगा, दो दो तीन तीन OH अलग अलग कर देगा, तीन मोल ले लिए तो OH OH अलग हो जाएगा, तो OH आके सीधे इस पे जुड़ जाएंगे और बाकी OH बचेंगे वो हमारे बोरोन के साथ जाएंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोबोरिक एसिड। क्या बनाएंगे, हाइड्रोबोरिक एसिड बना देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कुछ। अच्छा एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, देखो यहां से दो रिएक्शन चला रहा हूं मैं, यहां से दो रिएक्शन चलने वाले। देखो मैं अगर यहां पे लेता हूं HCl और एक तरफ लेता हूं मैं यहां पे AgNO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटर किसी भी लेवल के कॉम्पिटेटर एग्जाम के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। मैं यहां पे ले रहा हूं, जैसे ये बना ना मेरा, ये वाली जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी है, इस स्पीसीज के लिए अगर स्पीसीज की रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन परोक्साइड से नहीं कराता हूं और HCl से कराता हूं, तो HCl से कराता हूं, तो देखो मेरे पास में मेन यूनिट जो है वो कितने कार्बन की, तीन कार्बन की, तो क्या बनेगा इससे, प्रोपीन से बन जाएगा प्रोपेन। सीधा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र सीधे जाके निशाने पे ही लगता है ना, ब्रह्मास्त्र सीधे जाके निशाने पे ही लगता है, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा, एन प्रोपेन, ठीक है एन प्रोपेन। और अगर मैं AgNO3 लेता हूं तो क्या होगा, जितनी यूनिट कार्बन है उसको दुगना कर दो तो बताओ कितना बन जाएगा, एन हेक्सेन, क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन, क्या बनेगा, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन, मतलब इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, ये यूनिट जो होगी मेरे पास में ये जस्ट दुगनी हो जाएगी, एन हेक्सेन। थोड़ी आउटसाइड आवाज आ रही होगी तो डिस्टर्ब मत होइएगा, कंसीडर इधर ही देखिएगा, है ना, एन हेक्सेन, क्या बना, एन हेक्सेन। तो मतलब जब भी इस यूनिट से अगर AgNO3 रिएक्शन कराएंगे तो इसको दुगना कर देना है, जो मेन यूनिट है उसको दुगना करके एल्केन बना लो, और अगर HCl देता है तो उसी यूनिट को एल्किन को एल्केन में कन्वर्ट कर दो। तो ये डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र सीधा निशाने पे जाके लगते हैं, ध्यान रखना इसका, निशाने पे जाके लगेंगे, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका थोड़ा क्लियर कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट, मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, ठीक है स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लास्ट वाला, लास्ट एंड फाइनल पार्ट है उसको देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल पार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब हमारा एक और पार्ट बच गया है उसको मैं कंप्लीट करता हूं, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। साथ निभाते रहना साथियों, दोस्तों साथ बने रहना, ओके चलिए। तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन सिक्स पार्ट, मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन दोनों पार्ट चलेंगे इसके अंदर, ऑक्सी मर्क्यूरेशन भी होगा और डी मर्क्यूरेशन भी होगा। देखो कैसे होता है, एक बेसिक बता देता हूँ इसका, उसके बाद इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो होता क्या है, हमारे पास में जैसे मेरे पास में कोई एल्कीन है ना, सी एच डबल बॉन्ड, जब भी ऐसी रिएक्शन आती है तो देखो क्या काम करते हैं हम, सबसे पहले इसमें रिएजेंट लेंगे, एक तो रिएजेंट होगा मेरे पास में, देखो क्या रिएजेंट होगा, ए सी ओ का होल ट्वाइस एच जी और ऑब्लिक एच टू ओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको एच जी ऑब्लिक H प्लस के रूप में लिख सकते हैं, और साथ में दूसरा रिएजेंट आएगा, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एस थ्री सी ओ का होल ट्वाइस एच जी,
ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। और क्या बनेगा दूसरा, NaBH4/NaOH, ये दो रिएजेंट काम आने वाले हैं। इस रिएजेंट को तीनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखो क्या होता है हमारे पास में, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है, अगर ऐसा लिखा आता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जैसे ये आ गया Hg और H+ लिखा आ गया, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग। कैसा बनेगा, मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग बनने वाला है, तो ये बन जाएगा CH3। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग अगर प्रोडक्ट पूछा है उसने तो। अदरवाइज हमें क्या करना है, जैसे देखना है कैसे रिएक्शन करता है, क्या रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म समझ में आएगा पूरा कि रिएक्शन होती कैसे, मर्क्यूरेशन कैसे होता है और डीमर्क्यूरेशन कैसे होता है, वो हम मैकेनिज्म समझेंगे इसको। तो देखो क्या होता है, कैसे करता है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सबसे पहले मेरे पास में जैसे ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये मेरे पास में Hg है ना, और यहां से ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। अच्छा इसको क्या बोलता हूं मैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको, मर्क्यूरिक एसीटेट, ध्यान रखना। तो मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है यहाँ पे, एक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और बनाता क्या है, देखो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मेरे पास में कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, Hg पे प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा मेरा क्या बनेगा, बचा हुआ पार्ट मेरा ये वाला, तो ये क्या बनाएगा, सी एस थ्री ओ ओ माइनस, तो ये एज इट इज रह जाएगा। और ये हमारा क्या काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर चुके हैं, इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास में कुछ इस तरह का ये बनेगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल, क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल। और एल्किन पे पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, है ना। तो सबसे पहले अटैक ये करने वाला है। अब ये इस पर अटैक कैसे करता है, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है देखते हैं, देखो है ना। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट के, नेक्स्ट वाले पार्ट की। क्या करते हैं, सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कौन आएगा सबसे पहले अटैक करने, Hg प्लस ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। क्या बनाएगा, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसी स्ट्रक्चर होगी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, या कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 Hg ओ सी एस थ्री। ये तो करते आए हम लोग अभी इतनी देर तक। कार्बोकेटाइन वाला पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट होता है, वो इस पे जुड़ेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो बन गया हमारा कार्बोकेटाइन, ये कुछ इस तरह का बनने वाला है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, साइक्लिक होता है ना, साइक्लिक टाइप में, साइक्लोब्रोमोनियम और इतने पढ़े थे अपने कंपाउंड, ये कुछ इस तरह का बनता है एक्चुअल में। ये ऐसा बनेगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, और इधर कौन जुड़ने वाला है CH2, इस तरह का बनेगा। अब देखो कार्बोकेटाइन बन गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दिया, अब बारी आई किसकी, आंटी की बारी नहीं आई है ना, अब आंटी की बारी नहीं आई है, अब बारी आई है न्यूक्लियोफाइल की, अब बारी आई आंटी की, है ना, आंटी नंबर वन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नंबर वन, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो बनाते हैं भाई, देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या बनेगा CH3C, और यहाँ पे ये HOH, बताया था ना मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जल्दी जाके कार्बोकेटाइन से जुड़ेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और वापस इधर आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे CH CH2 Hg O C डबल बॉन्ड O CH3, देखो ये पार्ट एज इट इज के पास जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे OH जुड़ गया, यहाँ पे O पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, तो चिल्लाएगा ऑक्सीजन, अरे मेरे पास पॉजिटिव आ गया, मैं तो बहुत खतरनाक आदमी हूँ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला पार्ट हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको कहे चल भाग तू भाग, तेरे इलेक्ट्रॉन देके निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। तो देखो ये तो हो गया मेरे पास में, इसको बोलूंगा मैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन, यहाँ पे हो गया था मेरा ऑक्सी मर्क्यूरेशन, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मर्करी वाला पार्ट, देखो मर्करी के साथ में ऑक्सी मर्करी वाला पार्ट आके इस पे अटैच्ड हो चुका है, तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन हो गया। अब वापस से ये मर्करी वाला पार्ट निकलेगा तो उसे हम कह देंगे डी मर्क्यूरेशन, वेरी सिंपल, है ना। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आएगा, जैसे ही यहाँ पे ये निकलेगा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अच्छा यहाँ पे भी रिएजेंट कौन सा लेंगे, THF, है ना, THF क्या होता है, स्टेबलाइजर का काम करता है, तो NaBH4 लेंगे सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मर्क्यूरिक एसीटेट ऑब्लिक H2O, मतलब मर्क्यूरिक एसिड के साथ में कौन आएगा, H2 आ जाएगा, और किसकी प्रेजेंट में, सॉल्वेंट क्या लेंगे,
टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, है ना। और सेकेंड स्टेप में हमारा आ जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये होगा हमारे पास में NaOH की प्रेजेंट में। तो देखो ये निकल गया यहाँ पे, तो लास्ट स्टेप में ये अल्कोहल बनाने में मदद करेगा, और क्या बनने वाला है CH3CH, और देखो ये H निकल गया, ये OH बन गया। यहाँ से ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने लेके निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये CH2 था, एक H और आ जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा CH3, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंट में रिडक्शन होगा, CH3 बना लेगा, माइनस चार्ज था H आ जाएगा, H प्लस आएगा तो CH3 बना लेगा, और बचा हुआ पार्ट हमारा HG एज इट इज निकल जाएगा, और क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड, और देखो ये वाला पार्ट एज इट इज माइनस। कुछ इस तरह का पार्ट ये लास्ट प्रोडक्ट बनने वाला है, और हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसकी नेचर कैसी लग रही है, दिखने में कैसा है, मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा डिफरेंस है हाइड्रोबोरेशन में, प्रोडक्ट की नेचर जैसे हमें लगती है एंटी मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग हमें मार्कोनी कॉफ जैसा नेचर लगता है प्रोडक्ट का, ऐसा मिलता है हमारे को प्रोडक्ट। तो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे पूछ लेता है कई बार, तो ये हो गया हमारा डीमर्क्यूरेशन, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी वापस बाहर निकल रही है तो डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको कंटेंट आया होगा समझ में, अगर कंटेंट समझ में आया होगा, आपको समझ आया कंटेंट, नई चीज मिली सीखने को, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।